मैं इतना ही कहूंगा, हम इस मुद्दे को बड़े संवेदनशील तरीके से ले रहे हैं। खिलाड़ियों की मांग एक कमेटी बनाने की थी, हमने वो भी बनाई, जांच करवाने की थी वो भी करवाई, पुलिस से FIR करवाना चाहते थे, दिल्ली पुलिस ने FIR भी की, सुप्रीम कोर्ट गए तो वहाँ पर भी सुप्रीम कोर्ट ने मैजिस्ट्रेट के कोर्ट में जाने के लिए कहा। वो वर्ल्ड फेडरिंग जो रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया है उसके पदाधिकारियों को काम नहीं करने देना चाहते थे, हमने वो भी किया कि रेसलिंग फेडरेशन काम नहीं करती है। उन्होंने कहा सब कमेटी बने, हमने कमेटी ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर भी IO ने बना कर दे दी। अब ट्रायल्स भी IO की कमेटी ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर कर रही है, दिल्ली पुलिस जांच भी कर रही है, तो जो जो प्लेयर्स ने कहा वही सब कुछ हुआ है। और मैं कहना चाहता हूं, देश में किसी भी नागरिक की अगर इस तरह की कोई भी कंप्लेंट आती है तो उस पर पुलिस जांच करती है और पुलिस जांच के बाद ही कार्रवाई होती है। इस केस में भी बड़ी तेजी के साथ जांच हो रही है, बहुत सारे लोगों के बयान होने थे वो हुए भी हैं और पुलिस अपनी रिपोर्ट देगी और जब चार्जशीट फाइल करेगी उसके बाद उचित कार्रवाई भी होगी। आखिरकार उनको जांच पूरी होने का इंतजार करना चाहिए। और जितने भी नेता इस पे अपनी बातें कह रहे हैं, मैं उनसे इतना ही कहूँगा, ये देश का कानून सबके लिए 140 करोड़ भारतीयों के लिए एक जैसा है। हमारे लिए खेल खिलाड़ी दोनों ही महत्वपूर्ण है। खेलों के लिए मोदी सरकार ने पहले भी बजट में बढ़ोतरी की, सुविधाओं की बढ़ोतरी की, और जितना मान सम्मान मोदी जी ने खिलाड़ियों को दिया है वो देश से छिपा नहीं है और ये लगातार आगे भी है। लेकिन जहां पुलिस जांच की बात आती है, पुलिस जांच कर रही है, कार्रवाई की बात आएगी तो चार्जशीट के बाद वो भी।